हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ थ्री लेयर फ्रॉक कटिंग। अब हम पहले नाप समझ लेंगे क्या मेजरमेंट मैं ली हूँ। लेंथ अपने आप अपने मतलब जो भी रहेगा वो हिसाब से ले लेने का, जो जिसका जैसा बनाना हो आपको। लेंथ मेरी है 52 इंच, ऊपर की पेटी है 15 इंच। अब हम क्या करेंगे, 52 में से माइनस 15 कर देंगे, तो माइनस 15 करेंगे तो आएगा 37। मतलब आपको पेटी को इसमें से अलग कर देना है, जो भी पेटी का नाप है आपका उसको लेंथ में से कम कर देना है, क्योंकि ऊपर पेटी भी लगेगी तो उसमें से कम कर देना। जब मैं इसमें से कम कर दी तो आ गया 37। अब 37 नीचे का पोर्शन का हो गया ना। अब 37 को हम थ्री लेयर में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको थ्री लेयर वाला फ्रॉक बनाना है, तो 37 को डिवाइड बाय 3 कर देंगे। जब हम 37 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा ये 12.5 पर 12 ले लेंगे, फिर उसमें प्लस 1 कर देंगे। जब हम प्लस 1 सिलने के लिए करेंगे तो हो जाएगा 13। मतलब एक लेयर की जो लंबाई है, लेंथ है, वो हम 13 लेंगे, मतलब 13 इंच। जो एक लेयर की लंबाई 13 इंच लेंगे, ये समझ में आ गया। अब आस्तीन हमारी 19 इंच है, उसमें प्लस 2 करेंगे सिलने के लिए और वो आ जाएगा 20। और कमर हमारी पेटी की जो कमर है वो रहेगी 20 इंच, इसमें प्लस 2 करेंगे, इसमें 2 प्लस कर देंगे 22 आ जाएगा। अभी हमारी पेटी 22 है तो पहला लेयर सिर्फ 10 इंच या 15 इंच हम बढ़ा के काटेंगे ताकि उसमें चुन आए। फिर दूसरी लेयर इसका जो ये रहेगा उसको इससे 10-12 इंच बढ़ा के काटेंगे। फिर तीसरा जो रहेगा इससे 10-12 इंच बढ़ा के काटेंगे, क्योंकि ये लेयर को इसके चुन के हिसाब से करना रहेगा, तो इसको थोड़ा ज़्यादा काटेंगे हम। फिर इसको इससे भी ज़्यादा काटेंगे, तो इस हिसाब से मेजरमेंट होता है। और मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। अब हम इस तरीके से पीस बिछा लेंगे। मैं पहले मैं पेटी कटिंग कर रही हूँ। पेटी है हमारी 15 इंच की, तो हम 2 इंच उसमें मिला लेंगे सिलने के लिए। तो पेटी है हमारी 15 इंच की, इसमें 2 इंच ऐड करेंगे सिलने के लिए और ये सीधा निशान लगा देंगे। शोल्डर 7.5 इंच, यहाँ से भी 7.5 इंच, ये हम चेस्ट के हिसाब से ले लेंगे। चेस्ट है हमारा 20 इंच, तो हम ले लेंगे इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे। आपका जो भी चेस्ट का नाप है इस तरीके से बॉक्स बना के कप शेप दे देना है। ये थोड़ी डीप कटिंग आगे की, यहाँ हमारी कमर थी 20 इंच, कमर है 20 इंच, इसमें 1 इंच मिलाएंगे 11 हो जाएगा। 20 का आधा 10 प्लस 1 11, इसको फिर हमको इसमें से जोड़ लेना है। अब हम इसको काट लेंगे। ये हम पेटी कटिंग कर लिए है, इसकी पहले डीप कटिंग कर लेते हैं आगे की। हम आगे की डीप कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से डीप कटिंग हो गई। अब हम काटेंगे लेयर, लेयर काटेंगे हम। लेयर के लिए ये मेरा 60 का पन्ने का फैब्रिक है, हम इसके लेयर पहले काट लेते हैं। थ्री लेयर निकाल लेंगे पहले। थ्री लेयर 37 नीचे का है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे 13 इंच आ रहा था, तो हम 13 इंच का एक पैनल काट लेंगे।
ये 13 इंच का हमको यहाँ लेके बस सीधा सीधा कटिंग कर लेना है। ये फर्स्ट लेयर का आगे का है। फिर एक और इसी तरीके से हमको 13 इंच पे कटिंग कर लेना है। एक और लेयर होगी पीछे की, ये एक लेयर होगी। अब दूसरी लेयर का, अब हम दूसरी लेयर भी काट लेंगे। तीन लेयर यही 13 इंच की है, सब काट लेंगे हम 13 इंच पे। वापस से हम इधर से 13 इंच पे लगा लेंगे। सब लेयर हमारी 13 इंच की है। ये दूसरी भी कंप्लीट हो गई। तीसरी हम काट रहे हैं, तीसरी हम एक आड़े में काट लेंगे। अभी थर्ड लेयर को मैं 13 इंच पे निशान लगा लिया। अभी थर्ड लेयर भी काट लेते हैं। ये हमारी थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो गई है। ये थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, तीन लेयर कंप्लीट हो गई है। पर तीनों एक ही साइज की कटी है। अब हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे, थोड़ा जोड़ लगाएंगे उसमें ताकि लेयर आए। इसलिए हम दो दो दोनों की और काट लेंगे। अब हम इसको काट लेंगे, इसमें थोड़ा ऐड कर लेंगे क्योंकि चून आती है, कपड़ा ज्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा चुन के लिए हम एक एक पैनल और ऐड कर लेंगे उसमें, ताकि चुन थोड़ा बड़ा होए। पहला छोटा रहता है, दूसरा उससे बड़ा रहता है, तीसरा उससे भी बड़ा रहता है, उसके लिए लगा रहे हैं हम, क्योंकि तीनों एक ही साइज का कट है। अब दो और काट लेंगे, एक और काट लेंगे, वो लास्ट में हम तुमको रख के दिखाएंगे, तब समझ में आ जाएगा कितना पैनल क्यों कट रहे हैं। इसे भी काट लेना है। अब हम यहाँ पे आस्तीन के लिए कटिंग करेंगे। ये हमने आस्तीन के लिए बिछाए हैं। आस्तीन भी हम थोड़ी चुन वाली बनाएंगे, जैसे ये चुन चुन वाला रहेगा, तो उसके लिए हम ले लेते हैं 9 इंच। नाइन से 10 इंच ले लेते हैं, 10 इंच ले लेना है हमें आस्तीन के लिए। ये हमारा नीचे का हो गया आस्तीन, और ये ऊपर का, क्योंकि ये ऊपर का काट लिए, यहाँ पे यूं ऐसे चुन आएगी, और नीचे भी ऐसे 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 प्लस स्टिचेस यहाँ पे आ जाएंगे। ये आस्तीन का, इस पे लिख देते हैं आस्तीन। अब हम ये काट लेते हैं। ये
इसकी लंबाई ले लेंगे हम 12 इंच। यहाँ से हम 3 इंच ले लेंगे और इसकी ड्राफ्टिंग कर देंगे। आस्तीन की फिटिंग हम 7.5 रख लेंगे। इसको यहाँ से इस तरीके से इसको कट कर देंगे। ये कट हो गया, ये आस्तीन का हो गया पूरा, ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का। इस पे ये ऐसे 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 स्टिचेस आएंगे। ये इस पे ऐसे स्टिचेस आएंगे। ये आस्तीन कंप्लीट। अब ये कटिंग हो गया है, ये मैं रख के आपको बता देती हूँ। पेटी इतनी है हमारी, तो हम इसको इतना बढ़ा के लिए ताकि ये सब इसके अंदर चुन में आ जाए। फिर ये इतना बड़ा है तो वो उसे उतना बढ़ा के लिए ताकि वो चुन बैठा के इसके हिसाब से हो जाए। फिर हम ये इतना बड़ा है तो वो उसके हिसाब से उतना बढ़ा लिए ताकि वो चुन के हिसाब से इसमें एडजस्ट हो जाए। मतलब ये इसलिए बड़ा है कि यहाँ पे चुन आएगी ऐसे 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 से, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए गाइस, इस तरीके से ये पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अब ये स्टिचिंग का बाकी है, सिलाई बाकी है इसमें। वो तो मैं आप लोगों को ऐसे ही रख के बता दी कि ऐसा लुक आएगा, मतलब पैटर्न ऐसा बनेगा ये। और वहाँ आस्तीन है, वो आस्तीन का पैटर्न है। इस पे ऐसी आस्तीन अच्छी लगती है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।